हेलो फ्रेंड्स, परी बुटीक चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ कुर्ते की फ्रंट नेक की बहुत सी खूबसूरत सी डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने पहले बकरम को लिया है और इसकी विड्थ में 3 इंच पे एक निशान लगाया है। इसकी हाइट जो मैंने 10 इंच की ली है और 5 इंच पे एक बीच में एक कट लगाया हुआ है इस तरीके से, देखिए। और आपको डबल लाइन खींच लेनी है क्योंकि वो साइड से कट करते हैं। नीचे से भी एक लाइन दे दीजिए, बीच में एक सेंटर 5 इंच पे लाइन खींची हुई है मैंने। यहाँ से गुलाई देते हुए आपको आगे से 1.5 इंच पे एक निशान लगा देना है, छोटा सा 1.5 इंच पे एक छोटा सा निशान लगाइएगा तरीके से। और वहाँ पे आप एक वी नेक वी टाइप के शेप में एक आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो नीचे जाके इस तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका एक जो नेक बन जाएगा उसका शेप मैंने बनाया हुआ है, आप कट कर लीजिए कैंची से, फिनिशिंग पे कट करिए। अंदर की तरफ बहुत ही फिनिशिंग रखनी होती है। ये हमारा नेक की कटिंग हो गई है बकरम पे। अब इसको हम कपड़े पे अटैच करेंगे, तो कपड़े पे आप इसको रखिए और ऊपर जो हमने जो 3 इंच का गैप लिया था इसको 6 इंच बराबर से लगाइएगा। 6 इंच हम इंची टेप से नाप लेंगे और फिर उसके बाद पिनअप कर देंगे सारे बकरम के नेक को कपड़े पे, और उसको फिनिशिंग से कट करते हुए आप आराम से इस पर एक कच्ची सिलाई चलाइए बकरम के साथ। देखिए, मैंने सिलाई चला दी है इस तरीके से। इस तरीके से आप पिन निकाल दीजिए सारी, और उसके बाद छोटे छोटे का सा कट लगा के और जो बाहर की तरफ कपड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। और जो भी जब आप बाद में इसको फिनिशिंग जब इसको आप अटैच कर रहे होंगे तो उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको बाहर से कट कर दीजिएगा। मैंने भी कट किया हुआ है, अभी आपको दिखाई देगा। ये तरीके से मैंने ये फोल्ड कर दिया अंदर की तरफ। अब इसका एक सेंटर पॉइंट बना लेंगे हम। ये देखिए, एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर दिया है। सो इस सेंटर पॉइंट बनाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे चौक से। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लीजिए और फिर इसको मैन कपड़े पे हम जब बिठा लेंगे तो हमको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम कपड़े की जो लाइन होती है कपड़े पे भी मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ सेंटर में, और इस पे भी लाइन, तो दोनों लाइन को लाइन के ऊपर लाइन बिठाने से हमारा नेक एकदम सेंटर में आता है। आप कुर्ते के कपड़े को एक जो चौक से मैंने जो लाइन बनाऊँगी, देखिए सेंटर लाइन है ये भी, इस लाइन पर आप उस बकरम के नेक को बिठा लीजिएगा। दोनों लाइन को एकदम एक दूसरे के ऊपर रखते हुए आराम से इसको पिन से अटैच कर दीजिए चारों तरफ से। देखिए, मैंने इससे पिन से अटैच कर दिया है। अब आप इसमें एक अच्छी सिलाई भी चला सकते हैं बीच में जो चौक से लाइन बनाई है। मैंने ये कपड़ा अच्छा है, कॉटन का है, तो मुझे इस पर ज़रूरत नहीं पड़ी सेंटर की सिलाई लगाने की। इस तरीके से मैंने इसमें डायरेक्ट बकरम के साइड से सिलाई लगाई हुई है, या बकरम के साइड से इस तरीके से सिलाई लगाते हुए गुलाई देते हुए अच्छे से सिलाई लगा दीजिए आप एकदम फिनिशिंग से। देखिए, सिलाई लगाती है, उसके थोड़ा सा गैपिंग रखते हुए उसको कट लगा दीजिए पूरे कपड़े को साइड से कट कर दीजिए, और छोटा छोटा सा कट लगा दीजिए। और बीच में एक जो ये पॉइंट बनता है इस पर बहुत ध्यान से कट लगाइए, और इस तरीके से अब आप पलट दीजिए इसको। अब इस पर एक फिनिशिंग की सिलाई भी आपको चलानी होगी। देखिए, यहाँ पर मेरा कट ये सही से गड़बड़ हो रहा था तो मैंने सही से लगाया। देखिए, इस तरीके से सेंटर पर आपको किनारे से एकदम फिनिशिंग वाली सिलाई चला देनी है। इस तरीके से चारों पूरे गले पे आप बहुत अच्छे से फिनिशिंग वाली एक सिलाई लगा दीजिए। देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है। ये हमारा नेक अब इतना आधा कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए हम जो भी नेक भी शेप बनाएं उसके लिए हम ये बॉटम का एक कपड़ा मैंने लिया हुआ है, तो 5 इंच की हाइट का वी शेप जो बनाया था उसके लिए हम 5 इंच की हाइट पे करीब 6 इंच पे हम 6 इंच की हाइट की छोटी छोटी सी प्लेट्स लगा लेंगे इस तरीके से। उनमें दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे हम तरीके से, दोनों तरफ हम सिलाई लगाते हुए तो बहुत अच्छे से बिठाल देंगे। अब हम ऊपर की तरफ एक फोल्ड जिसको हमें ऊपर रखना होगा उस तरफ के पोर्सन पर हम कपड़े को फोल्ड कर देंगे अच्छे से। फिर हम फोल्ड कर दिया है, उसके बाद हम इस कपड़े को इसके नीचे रखते हुए नेक पे, और इस पर हम
पिन अप करेंगे। अब पिन करके हम तो भी एक फिनिशिंग की फिर से सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब आपको इस पर लेस लगानी है, तो मैंने ये लेस भी लगाई हुई है इसमें। बहुत ही खूबसूरत सा नेक है ये, मैंने कंप्लीट सूट बनाया है ये, इसका पैंट बनाई है और इसका कुर्ता है ये, बहुत ही सुंदर से बन के आया है ये सूट। इस तरीके से भी आप नेक बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी ये डिज़ाइन पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी करिएगा। थैंक यू सो मच।